Simple English. No confusion. गाइस जिस दिन सालार मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर आएगा ना, फैंस और थिएटर का यही हाल होना है और यूट्यूब और बड़े बड़े रिकॉर्ड्स क्रैश होने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष केजट। गाइस सभी को पता है सालार मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर 1 दिसंबर को इवनिंग में 7:19 को आने वाला। और गाइस इस ट्रेलर का मोस्टली ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई पर्सन नहीं है, ऐसा कोई फैन हैटर नहीं है जो इस ऑफिशियल ट्रेलर का वेट ना कर रहा हो, क्योंकि यार कॉम्पिटिटर गुटका छाप के जो फैन है ना भाई साहब, सालार मूवी के लिए से उबड़ कर आ रहे हैं कि भाई साहब हमें भी देखना है। और गाइस काफी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि हर्ष भाई सालार के ट्रेलर से रिलेटेड कुछ अपडेट शेयर कर दो, इसके ड्यूरेशन से रिलेटेड कुछ अपडेट शेयर कर दो, कट पिट हुआ है या नहीं हुआ है। लिटरली गाइस अगर मैं आज का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं ना, तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है सालार मूवी के फैंस के लिए, प्रभास अन्ना सर के फैंस के लिए। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम ऐसी बैक टू बैक अपडेट लाते रहते हैं किसके लिए, आप ही के लिए। तो चलिए जान लेते गाइस, ओनली 12 डेज बचे इसके ऑफिशियल ट्रेलर के लिए। और ये ट्रेलर भाई साहब छोटा मोटा मत समझिएगा, क्योंकि इंडियन सिनेमा के ऐसे ऐसे रिकॉर्ड को बीट करने वाला, इतना तगड़ा होने वाला है कि किसी ने नहीं सोचा था। क्योंकि यार इसमें एक्शन सीक्वेंस ऐसे ऐसे होने वाले, फाइटिंग वाइटिंग ऐसा सीन होने वाले, बीजीएम ऐसा होने वाला है कि आप लोग ये शॉक्ड हो जाएंगे कि यार डायरेक्टर प्रशांत नील सर ने ये मतलब कि डायरेक्शन की ट्रेनिंग ली कहां पे। और गाइस अपडेट ऐसा आर अपडेट क्या भाई साहब, मैं आप लोगों को टोटली बताने वाला हूं। गाइस सालार के ट्रेलर का कट प्रोसेस चालू हो गया, वो भी रवि बसरूर कान फाड़ रवि बसरूर सर के स्टूडियो में हो गया है और कट प्रोसेस का काम स्टार्ट हो गया। और कहा जा रहा है जो मेरे इनसाइडेड सोर्सेस से, जो मेरे मतलब कि पर्सनली मैं जिनसे बात करता हूं, तो उन्होंने कहा है कि हर्ष जी ये जो ट्रेलर आ रहा है ना, ये छोटी मोटी तबाही नहीं है, ये इतनी बड़ी तबाही है जो कि बड़े से बड़े एक्टर को, बड़े से बड़े रिकॉर्ड को रगड़ के खींच के मारने वाला काम करने वाली है। तो गाइस ट्रेलर का कट प्रोसेस स्टार्ट हो गया रवि बसरू सर के स्टूडियो में बिफोर 12 डेज पहले। कल रात में इस चीज का अपडेट आया था, लेकिन उस समय में थोड़ा सा ट्विटर पे थोड़ा सा मीटिंग में था, दैट्स व्हाई मैंने उस चीज आपसे उस समय शेयर नहीं कर पाया। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, इसका जो ड्यूरेशन होने वाला वो भी आउटस्टैंडिंग लेवल पे होने वाला है। और ट्रेलर की जो लैंग्वेज के बारे में जो बोल रहे थे ना, किस किस लैंग्वेज में आएगा, तो वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। गाइस पहले अपन बात कर लेते हैं ड्यूरेशन के बारे में। सालार के जो ट्रेलर का ड्यूरेशन का जो अपडेट निकल कर आ रहा है, वो आ रहा है, मैं एक बार बता देता हूं आपको, 2:55 का आ रहा है, यानी कि अराउंड 3 मिनट का आ सकता है गाइस। और ये जो ट्रेलर है ना, ये मल्टीपल लैंग्वेज में नहीं आने वाला, मतलब कि जिनका भी जो भी प्रभास सर के फैन है, सालार मूवी के फैन है और जो रॉकी भाई के फैन है ना, तो गाइस जिन्हें भी ऐसा लग रहा है ये मल्टीपल लैंग्वेज में आने वाला है, जैसे कि केजीएफ चैप्टर 2 का ऑफिशियल ट्रेलर आया था, तो गाइस ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ओनली एक ट्रेलर आने वाला है, मल्टीपल लैंग्वेज में आने वाला है, वो भी होम्बोले फिल्म के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस इसका जो कौन कौन सी लैंग्वेज में आने वाला है, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, हिंदी, इंग्लिश जैसी मल्टीपल लैंग्वेज में आने वाला है। और गाइस ये जो ट्रेलर है ना, काफी आउटस्टैंडिंग होने वाला और फैंस के लिए काफी इनक्रेडिबल होने वाला, और हेटर्स के लिए भाई साहब मौत से कम नहीं होने वाला, क्योंकि डायरेक्टर प्रशांत नील सर भाई साहब इतने हर्ट हो गए हैं बॉलीवुड वाले से कि अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जमीन में मिलाने वाले हैं। और गाइस सालार मूवी से रिलेटेड काफी रैंडम अपडेट आई है मेरे पास, जो कि कल रात में मुझे काफी लोगों ने शेयर की है। अगर एनीवन इंटरेस्टेड है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, एग्री कर दीजिएगा, यस कर दीजिएगा, तो उसका भी मैं अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन आप लोग हमें बता दो, आप नहीं बताओगे तो कौन बताओगे। हाँ आप लोग बताओ कि सालार के ऑफिशियल ट्रेलर के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है, और आपके क्या ओपिनियन है इसके ट्रेलर कट प्रोसेस के बारे में, रवि बसरू सर के स्टूडियो के बारे में, कानफाड़ रवि बसरू सर के बारे में, ट्रेलर के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, ड्यूरेशन के बारे में। क्या लगता है छोटी मोटी तबाही होने वाली, या फिर ये तबाही सबको लेकर ढाने वाली है? अपने ओपिनियन भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपका भाई इंस्पायर्ड और मोटिवेट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।